तक कभी नहीं हंसी हूँ जितना तुम्हारे साथ हंसी हूँ। इस टाइम पे जितना हंसोगे उतना ही बच्चे के लिए अच्छा है। राघव, तुमने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की? आएगा, उसका भी टाइम आएगा। पर राघव, पर कुछ नहीं, अब ये मुस्कान हमेशा बरकरार रखूंगा, भरोसा रखो। तो इसी बात पे कुछ खट्टा हो जाए गोलगप्पे? हाँ, लेकिन मेरे पास कैश तो है नहीं। तुम यहीं पे वेट करो, मैं अभी 2 मिनट में एटीएम से निकाल के लाता हूँ। ये देखिए, लड़के की उम्र भी ज्यादा नहीं है और इसके पास से ऐसा कुछ मिला भी नहीं है जिससे इसकी पहचान हो सके। आसपास पता करो, शायद ये लड़का आसपास का ही रहने वाला हो। और ये भी चेक करो, इस उम्र और कदकाठी के किसी लड़के की मिसिंग कंप्लेंट फाइल है। ओके सर, पूछो। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। तब हमें ये केस एक रेगुलर मर्डर केस जैसा लग रहा था, लेकिन असल में इस केस में कई विचित्र राज छिपे हुए थे। क्राइम का मोटिव, मोडस ऑपरेंडी ऐसा हैरत भरा था कि एक बार को इसने हमें दिशाहीन कर दिया था। ताई, आप मैं भी ऐसे ही चौंक गई थी जब उस लड़के के साथ भाग गई थी। चल लेट जा। क्या हो रहा है ये सब? ठीक पिंकी, ऐसी हालत में भाग दौड़ मत कर, मर जाएगी। उस लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुझे उसके साथ मरने नहीं देंगे हम। चलो उधर। आपने क्या किया राघव के साथ? कहाँ है राघव? बेकार के सवाल मत कर, बैठ जावा। ताई राघव का है? चल ताई। चल। नहीं, अब बताइए राघव का है? ताई 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 ताई, बताओ ना कहाँ है राघव? क्या किया राघव के साथ आपने? ताई, उस लड़के के चंगुल से तो बचा लिया हमने इसको, लेकिन ये राघव राघव की रट रोकेगी नहीं। अरे, उसका बच्चा पेट में लेके आ गई है, आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? उसके पेट में जो बच्चा है उसे बच्चों, कोई गाड़ी से बाहर मत निकलना, मैं बस 1 मिनट वापस आ रहा हूं। भैया, सर, ये उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसकी लाश रिंग रोड के पास मिली थी, मौत की वजह मल्टीपल स्टैबिंग। इस लड़के की पहचान को लेकर कुछ और पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लड़के की उम्र 18 से 20 साल की है, लेकिन मैंने आसपास के थाने में भी चेक किया, ऐसे किसी भी लड़के की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। सर, रोहिणी मार्केट में हम उस लड़के के बारे में पता कर रहे थे। हत्या वाली शाम वो लड़का मार्केट के एक CCTV में कैप्चर हुआ था। इस लड़के के साथ ये औरत कौन है? इस औरत के बारे में हमने आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इस लड़के की उम्र है 18 से 20 साल। इस औरत के साथ इसका क्या रिश्ता हो सकता है? सर, इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता हो, लेकिन जिस तरह से ये दोनों साथ में इस फुटेज में दिख रहे हैं, उस लिहाज से तो इस औरत को उस लड़के की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए थी। चंगे काम करो, इस लड़के की फोटोग्राफ सभी अखबारों में छपा दो, शायद इसकी पहचान को लेकर कुछ सामने आए, मे बी ये औरत भी सामने आए। तुझे मैं मारूंगा, ये सब सीखने जाती है स्कूल में। नहीं, 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 नहीं। पता हुआ? और उन बच्चों को क्यों पकड़ रखा है तूने? तो आप देखे ना, ये दोनों बच्चियां मेरी दुकान से चिप्स चुरा के भाग रही थी। अंकल, हमने चिप्स वापस भी कर दिए, पर फिर भी अंकल हमें मार रहे थे और बहुत डांट रहे थे। अरे साहब, झूठ बोल रही हैं। मिल गया चिप्स, जाओ दुकान जाओ। बेटा, तुम दोनों कौन से स्कूल में पढ़ती हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? वो अंकल, हम स्कूल से घर जा रहे थे। हाँ। आपका घर कहाँ पे है? एक मिनट। बेटा, आप दोनों का नाम क्या है? नफीसा। तुम्हारा नाम नफीसा और तुम्हारा नाम बुलबुल, और तुम दोनों बहने हो? हाँ अंकल, हम बहने ही हैं। पर मेरे जो अब्बू है ना, वो मुझे प्यार से बुलबुल बुलाते हैं। मेरा नाम बेनजीर है। बेनजीर आपा? हाँ, बेनजीर आपा। ठीक है, चलो आपके अब्बू से मिलते हैं। हम चले जाएंगे, पास में ही। नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए चलिए चलिए, दिखाइए अपना घर। यही वो लड़की है जिसके अबॉर्शन के लिए आपसे बोला था। अबॉर्शन? ताई, मैं एकदम चुप। ताई, मैं किसी को अपना अबॉर्शन नहीं करने दूंगी। मैं जा रही हूँ। ताई, संभालो इसे। सर, एक मिनट प्लीज, आप आइए। अबॉर्शन नहीं करने दूंगी। नहीं ताई, जबरदस्ती आवाज नहीं। ताई छोड़ो मुझे। भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? सब दरअसल बात यह है कि मेरी भतीजी एक लड़के के साथ भाग गई थी, और ये सब देखिए समाज की मजबूरी है, हमें ये अबॉर्शन करवाना ही होगा। उस लड़की को देखकर लग रहा है कि वो कम से कम 6 महीने की प्रेग्नेंट है। अबॉर्शन के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें लड़की की जान तक भी जा सकती है। बेटा, और कितनी दूर है आपका घर? अंकल, बस इधर ही है। हाँ, ये हरा वाला है हमारा घर, हरे रंग का। अच्छा, हाँ, ये आपका घर है? हाँ। चलो चलते हैं। चले जाएंगे। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? अंकल, अगर आप हमारे अब्बू को बताओगे कि हम दोनों ने चिप्स चुराए, तो हमें बहुत मारेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो कि आइंदा तुम ऐसी शरारत बिल्कुल नहीं करोगे। कभी करेंगे। चलो घर चलो। दादी कहती है चोरी करना बहुत बुरी बात है। मुझे पता है ना, कल अपन ने चिप्स चुराए और कितनी बुरी तरह से फंसे। मुझे मालूम है कि चोरी करना बहुत बुरी बात होती है, लेकिन कृष्णा जी भी तो मक्खन चुराते थे ना। हाँ, और तूने तो चिप्स चुराए। अरे वाह, तुम दोनों तो बिल्कुल मेरे टाइप हो हैं।
पढ़ाई लिखाई में जीरो, हेर फेर में हीरो। तू अरे कहाँ चले तुम लोग? चॉकलेट है मेरे पास, ये देखो, एक तुम्हारे लिए एक तुम्हारे लिए। नफीसा बेटा, अगर कोई भी अजनबी जिसको तुम नहीं जानती हो बेटा, अगर वो कुछ भी खाने को दे और या बोले कि मेरे साथ चलो, तो कभी भी उस अजनबी से बात नहीं करना, ठीक है? और अगर वो मुझे पकड़ ले तो जोर जोर से चिल्लाना। कैसे? मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। क्या हुआ? ये आपने जो फोटो छपाया है, ये मेरे भांजे मुकुल का है। मुकुल, मुकुल, सर मेरे दीदी और जीजाजी मुकुल के बचपन में ही गुजर गए थे। तब से वो हमारे साथ बिजनौर में ही रहता था। बिजनौर में रहता था तो फिर यहाँ दिल्ली किस लिए आया था? सर वो यहाँ जॉब के सिलसिले में आता जाता रहता था। उसका एक दोस्त भी यहाँ मनी। हम लोगों ने जब मुकुल को फोन लगाया और फोन नहीं लगा तो मनी को फोन लगाया। वो बोला कि मुकुल तो बहुत पहले दिल्ली से चला गया है। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे सर। और उसके बाद ये अखबार में फोटो देखा। हम जब मुकुल के बारे में पता कर रहे थे तो मुकुल रोहिणी मार्केट में इस प्रेग्नेंट औरत के साथ घूमता हुआ सीसीटीवी में कैप्चर हुआ। आप जानते हैं इसे? नहीं सर, हम लोग इसे नहीं जानते। यहां तो उसका एक ही दोस्त है मनी। तो फिर मुकुल इस औरत के साथ क्यों है? सर मुझे कोई आइडिया नहीं। हो सकता है वो इस औरत की कोई मदद करना चाहता हो। अच्छा आपको किसी पर शक है जो मुकुल को? सर मुझे तो मनी पर ही शक है। वो मुझे बोला था कि मुकुल तो वापस चला गया दिल्ली से। मनी मुकुल को किस मकसद से मारे? मेरा मतलब मुकुल का मनी के साथ कोई इशू वगैरह कुछ? सर मनी अच्छा आदमी नहीं। मैंने मुकुल को पहले ही कहा था कि इनके चक्करों में मत पड़, लेकिन वो हमारी बात नहीं माना। ये मनी यहाँ दिल्ली में रहता कहाँ है? पिंकी, हम तेरा एबॉर्शन करा के तेरी जान खतरे में नहीं डालना चाहते, इसलिए हमने सोचा है कि तू ये बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन उसके बाद तुझे राघव को भूलना होगा और इस बच्चे के होने के बाद इस बच्चे को भी। इसी में तेरी और तेरे बच्चे की भलाई है। दादी के साथ बाजार गई थी और तभी मेरा हाथ दादी से छूट गया था और मैं घूम गई थी। दादी! नफीसा! दादी! नफीसा! तेरी दादी तो तुझे ढूंढ भी सकती है, पर मेरा तो कोई भी नहीं। मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। क्यों? तेरे अब्बू तुझे नहीं ढूंढ रहे होंगे? नहीं, पर मैं तेरी तरह कभी खोई भी नहीं ना आज तक। लेकिन हाँ, मैं रोज देर देर तक घूमती थी, बाहर मजे करती थी, खेलती थी। लेकिन जब मैं घर जाती थी तो मेरे बाबा बोलते थे। कहाँ गई थी? बाबा वो खेल रही थी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ खेल खेल खेल। खाना बनाओ जाके। पर अब तो पक्का है वो मुझे ढूंढ भी नहीं रहे होंगे। मुझे उनके पास जाना भी नहीं है। तो तू मेरी दादी के पास चलना। पर तुझे तो पता ही नहीं ना कि तेरी दादी कहाँ पर है। पर हाँ, मुझे उनका फोन नंबर याद है। एक दिन वो मुझे याद भी करा रही थी। 3 4 5 अब ये नंबर हमेशा याद रखना। और हाँ, तुम अगर कभी भी किसी मुसीबत में हो या खो जाओ
तो तुरंत इस नंबर पे मुझे कॉल करना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। माना तुझे अपनी दादी का नंबर याद है, पर उन्हें कॉल कैसे करेंगे, हमारे पास तो फोन भी नहीं है। अंकल से फोन मांगते हैं। हाँ ठीक है। अंकल अंकल अपना फोन दो ना, नफीसा को अपनी दादी को कॉल करना है। चलो भागो। मणि कौन है? साहब मैं हूँ मणि। जानता है ना तेरे दोस्त मुकुल का मर्डर हुआ, उसी बारे में बात करने तेरे साथ। लेकिन साहब मैंने तो नहीं किया। चल थाने चल के बात करते हैं। साहब नहीं बुलबुल, इस बार चोरी नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है फिर, बस इस बार तू मत बोलना कि तुझे अपनी दादी को कॉल करना है। अच्छा ठीक है, पर बस आखिरी बार। ठीक है, पर इस बार जोर से भागना, उनकी पकड़ में बताना। ठीक है। चल हो जा शुरू। तब मैंने ही मारा साहब मुकुल को, तब उसने मेरे से 35,000 रुपए उधार लिए थे और लौटा नहीं रहा था, और साहब हमेशा कहता रहता था कि जॉब लगेगी तो पैसे दे दूंगा। ना उसकी जॉब लग रही थी और ना वो पैसे लौटा रहा था, तो साहब मैंने मार दिया, और साहब मैंने उसके मामा मामी को भी कह दिया कि वो बिजनौर चला गया है। मुकुल रोहिणी मार्केट में इस प्रेग्नेंट औरत के साथ घूम रहा था, और वहीं पे तूने मुकुल का मर्डर किया। कौन है औरत? साहब मैंने नहीं देखा कभी इसको। हमें तब लग रहा था कि हमने बड़ी आसानी से इस मर्डर केस को सॉल्व कर लिया है, लेकिन तब इस मर्डर केस का असल राज हमारे सामने नहीं आया। एक तरफ हमने उस लड़के की मुकुल नाम से पहचान कर ली थी, और दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट औरत उसे राघव मानकर याद कर रही थी। अब सवाल ये था कि वो मुकुल था या राघव, कि एक रहस्य से भरी पहेली थी, और मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अब इस केस में एक अजीब सी आंधी आने वाली थी जो मुझे और मेरी टीम को हिला कर रख देने वाली थी। सब वो दोनों बच्चियां स्कूल यूनिफॉर्म में थी और बहुत ही चालाकी से इतना महंगा मोबाइल चुरा कर भाग गई। उनमें से एक का बैग है ये, पर देखिए तो क्या क्या भर रखा है। कि यूनिफॉर्म जिस जिस स्कूल में, उन स्कूल का पता करो, शायद स्कूल से ये पता चल जाए कि ये बच्चे कहां रहते हैं। ओके सर। कनिका। हाँ पापा। ये ले, ये सब रिश्तेदारों के नाम की लिस्ट है, शादी के कार्ड्स पे सबके नाम लिख दे। ठीक है। आप भी ना कमाल करते हैं, शादी इसी की है और आप इसी से कार्ड पे नाम लिखवा रहे हैं। दीदी का शादी का कार्ड, ये तो बहुत जिम्मे है बाबा, मैं इसके ऊपर नाम लिख दूंगी। कुमकुम तू रहने दे, तेरी हैंडराइटिंग पता ना कैसी है, कॉपी पे कीड़े मकोड़ों के जैसा लिखती है, सब खराब करेगी। अच्छा सुनो, दूसरी वाली लिस्ट का है? आप ही नहीं तो रखी थी उस रूम में, खुद ढूंढने जाके। अरे यार मैं तो भूल गया। सुन तेरा स्कूल तो 2 बजे छूटता है ना, तू 4 बजे क्यों आ रही है? वो मैं खेल रही थी। खेल रही थी, शक्ल देखिए धूप में खेल खेल के कैसी शक्ल बना रखी है, और अब खड़ी के अंदर जा कपड़े बदल जाके, और हाँ खाना खुद डाल के ले लेना। मुझे भूख नहीं है। अरे भूख नहीं है, अरे कहाँ जा रही बेटा, कपड़े तो बदल ले। दादी का फोन नहीं लग रहा। तूने नंबर याद किया था ठीक से या फिर गलत नंबर है? मैं सही याद किया था। क्या हुआ था बच्चों, इतना महंगा मोबाइल कहाँ से लिया तुम लोगों ने? हे रुको, मेरी बात का जवाब दो, कहाँ से लिया ये मोबाइल? वो मेरे बाबा का है। हाँ। किसको फोन कर रहे थे? दादी को।
लाओ मैं देखता हूँ। इसमें तो सिम ही नहीं है। सिम? हाँ, बिना सिम के तो फोन लगेगा नहीं ना। अच्छा, इसलिए तेरी दादी का नंबर नहीं लग रहा था। तो एक काम करते हैं, मेरे मोबाइल से फोन मिलाते, ठीक है? नंबर बोलो तुम्हारी दादी का। 9 8 हाँ 7 6 5 1 2 3 हाँ हाँ यही है। ये तो 8 नंबर है ना बेटा, और मोबाइल नंबर तो 10 अंकों का होता ना। दोबारा याद करो। मुझे इतना ही याद है। मैं 2 मिनट में बात करती हूँ। 1 मिनट रुक। हे भगवान, कैसे किए कपड़े गंदे? ये सब क्या है? मना किया था ना स्कूल के कपड़े बदल के जा, जवाब देना कैसे किया? बोलती क्यों नहीं? मालूम है कितने की आती है ड्रेस? पापा, इसको चोट भी लगी है। भाई साहब, इतनी सी चोट के लिए सारा घर सर पे मत उठा, जाके नहा और दवा लगा ले। अरे जाने दीजिए जी, नौटंकी बाजे एक नंबर की। कपड़े गंदे करने पर हम इसको डांटे ना, इसलिए ये सब ड्रामा कर रही है। सर, जिस तरह की यूनिफॉर्म उन बच्चियों ने पहनी हुई थी, उस तरह की यूनिफॉर्म दिल्ली के सिर्फ 4 स्कूलों में है, और मैंने उन सभी स्कूलों में उन बच्चियों के फोटो दिखाए, लेकिन किसी भी स्कूल की अथॉरिटी ने उन बच्चियों को आइडेंटिफाई नहीं किया। सर, इन दोनों बच्चियों में से एक बच्ची का बैग जो हमें उस दुकान वाले से मिला, उसमें स्कूल सिलेबस की बुक नहीं थी। हो सकता है ये बच्चियां किसी स्कूल में पढ़ती ही नहीं हो, ये स्कूल यूनिफॉर्म में सिर्फ चोरी करती हूँ ताकि इन पर किसी को शक ना हो, और हो सकता है इनसे कोई काम करवाता हो। सर मैं इन दोनों बच्चियों को जानता हूँ, इससे पहले भी मैंने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ा था। और ये बात तुम हमें अब बता रहे हो? आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? कुछ दिन पहले वो दोनों बच्चियाँ एक दुकान से चिप्स का पैकेट चुरा कर भाग रही थी, तो मैंने उन्हें देखा था। मैंने उनसे उनका नाम भी पूछा। तुम्हारा नाम नफीसा और तुम्हारा नाम बुलबुल। सर, उसके बाद मैंने उन्हें पूछा कि आपका घर कहाँ पे है। वो कीर्ति नगर में घर के पास मुझे ले गई। सर, मैंने फिर उन दोनों बच्चियों को घर के बाहर छोड़ा, लेकिन जब मोबाइल स्टोर के CCTV फुटेज में मैंने उन दोनों बच्चियों को देखा, बाद में मैं फिर उस घर पे गया, लेकिन घर पे ताला लगा हुआ था। मैंने पड़ोसियों से बातचीत की तो पता चला वो घर रमेश पांडे नाम के किसी आदमी का है, और उन्होंने बताया कि उनको 2 बच्चियाँ भी है। तुम बता रहे हो कि उन बच्चों ने तुम्हें अपना नाम बेनज़ीर और नफीसा बताया था, और तुम उस घर को रमेश पांडे का बता रहे हो। तो रमेश पांडे बेनज़ीर और नफीसा का बाप कैसे हो सकता है? ये जान के मैं भी हैरान हूँ, शायद उन बच्चियों ने अपना नाम मुझे झूठ बताया था। और तुमने उन पर भरोसा करके उन्हें जाने दिया? सर, मुझे उन पर शक हुआ था, लेकिन रमेश पांडे और दोनों बच्चों के बारे में अच्छे से पता करो। ओके सर। ये लो। लो। क्या हुआ, पकड़ो। नफीसा, चिंता ना करो, मैं तुम दोनों को सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा, ठीक है? आराम से बैठो, खाओ। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आपने कहीं इसमें बेहोशी की दवाई तो नहीं मिलाई ना? बच्चों को चौकन्ना होना चाहिए। जी सर, हमें तुम्हारी बेटियों से बात करनी है, बुलाइए उनको। मेरी बेटियों से? तुम्हारी बेटियों ने कल एक मोबाइल शॉप पर चोरी की थी। सर, आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, मेरी बेटियां यहाँ नहीं रहती हैं, वो तो बनारस में रहती हैं। यहाँ कभी कभी आती हैं और पिछले 2 महीने से वो यहाँ आई भी नहीं है। अगर वो बनारस में रहती हैं तो फिर ये बच्चियाँ कौन है? इन बच्चियों को मैंने तेरे घर में आते हुए देखा है। हाँ सर, कुछ दिन पहले जबरदस्ती ये बच्चियां मेरे घर को साई थी। ए, कौन हो तुम लोग और ये अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? और फिर तुरंत वो यहां से भाग भी गई। कुमकुम आ गई तुम?
आंटी, मम्मी पापा और दीदी कहाँ गए? दरवाजे पे ताला लगा है। अरे वो सब तेरी कनिका दीदी की शादी का कार्ड बांटने गए। आपको घर की चाबी दी है क्या? नहीं, घर की चाबी तो नहीं देके गए, लेकिन हाँ कहा था जब तक वो नहीं आ जाए तब तक तुझे मैं अपने पास रखूं। चल अंदर आ जा, भूख लगी होगी ना, खाना लगाती हूं। तुम्हारी गलती की वजह से उन दोनों बच्चों ने फिर से चोरी की। सर मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, सर मुझे एक मौका और दीजिए उन बच्चों को ढूंढने के लिए। कैसे हो सकता है? आप लोग मेरे बेटे की लाश किसी और को कैसे दे सकते हैं? देख ये मेरा बेटा और आप लोगों ने क्या हो रहा है, क्या शोर है? सर सर ये मेरा बेटा, आप लोगों ने मेरे बेटे की लाश किसी और को दी थी। ये मेरा बेटा राघव है साहब। व्हाट? सर हम लखनऊ में रहते हैं और हमारा बेटा राघव यहीं राम मनोहर कॉलेज में पढ़ता है और यहीं के हॉस्टल में रहता है। कई दिनों से उसका फोन लग नहीं रहा था तो हमारी तबीयत बेचैन हो गई और फिर हम दिल्ली चले आए और आते साथ ही हम कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज में पता चला कि 7 महीने से वो हॉस्टल छोड़कर कहीं और रह रहा है और कई दिनों से कॉलेज भी नहीं आया। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर हमने अखबार में ये फोटो देखी। हाँ लेकिन ये फोटो तो हमने काफ़ी पहले छपवाई थी। हाँ लेकिन हमने देखी आज है और देखते साथ ही हम आपके पास चले आए। आपने अभी हमें बताया कि जब आप मुकुल के कॉलेज गए तो आपको मुकुल के कॉलेज से पता चला कि 7 महीने पहले ही उसने अपना हॉस्टल छोड़ दिया था और वो हॉस्टल छोड़ के कहीं और रहने लगा था, तो वो पिछले 7 महीने से कहाँ रह रहा था? कहाँ रह रहा था ये तो हमको नहीं पता, लेकिन साहब हॉस्टल वाले कुछ सच हमसे छुपा रहे हैं क्योंकि अभी 10 दिन पहले तो हमारी बात हुई है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम हॉस्टल छोड़ के कहीं और रह रहे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? सब बढ़िया चल रहा है पापा, लेकिन एक बात है। कैसी बात? पापा वो ना, मैं कुछ दिन में लखनऊ आ रहा हूँ, आपको एक सरप्राइज देना है। आपका बेटा आपसे किस सरप्राइज की बात कर रहा था? ये तो हमें नहीं पता साहब, लेकिन हमारे बेटे के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। सर एक मिनट, सर इस जनक का फोन नहीं लग रहा जिसने मुकुल नाम से उस लाश की शिनाख्त की थी। सिम कुछ तो गड़बड़ हुई है, तुरंत बिजनौर पुलिस से कॉन्टेक्ट करो और उन्हें जनक के घर भेजो और राम मनोहर कॉलेज में भी पता करो कि राघव वहाँ पर स्टूडेंट था। ओके सर। जब हम इसके बारे में पता कर रहे थे तो जहां पर हमें इसकी लाश मिली वहीं पास के मार्केट में ये इस प्रेग्नेंट औरत के साथ घूमता हुआ सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। अब जानते हैं इसको कौन है ये लड़की? नहीं सर, हम इसे नहीं जानते। ले खाना खा ले। सर मैंने राम मनोहर कॉलेज में पूछताछ की, राघव उसी कॉलेज में पढ़ता था और 7 महीने पहले तक उसी कॉलेज के हॉस्टल में रह भी रहा था। सर सर बिजनौर पुलिस का फोन था, जनक ने बिजनौर का जो एड्रेस दिया था वो वहाँ पे किराए पे रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले उसने वो मकान खाली कर दिया। पड़ोसियों ने बताया कि जनक के साथ मुकुल नाम का कोई लड़का नहीं रहता था बल्कि जनक का कोई भांजा ही नहीं था। बट हमने इस केस की जाँच शुरू की तो सामने आया कि उस लड़के का नाम वाकई में राघव था जिसे मुकुल मानकर हमने वो लाश जनक और उसकी बीवी को सौंप दी थी। उसे मुकुल नाम देने वाले जनक और उसकी बीवी फरार थे। मुकुल की जो आईडी हमें दी गई थी वो फेक निकली। और सबसे बड़ा सवाल, मनी अभी यही कह रहा था कि उसने किसी राघव का नहीं बल्कि मुकुल का ही मर्डर किया था। और सवाल ये भी था कि जनक और उसकी बीवी ने आखिरकार एक अज्ञात लाश की पहचान मुकुल नाम से क्यों की थी? आखिर इस हत्या की वजह क्या थी? ये हत्या क्यों की गई थी? एक ही लाश की दो दो पहचान सामने आने का राज क्या था? हम इन सवालों के जवाब खोज ही रहे थे कि एक नई चुनौती हमारे सामने आ गई। सर भजनपुरा पुलिस को 2 दिन पहले एक प्रेग्नेंट औरत की लाश मिली थी लेकिन उसके पास से उसकी पहचान का कोई क्लू नहीं मिला था। सर यही वो प्रेग्नेंट औरत है जो राघव और मुकुल के साथ सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। बुलबुल तुझे अंकल को नहीं मारना चाहिए था, वो बोल रहे थे ना कि हमें अपनी दादी तक पहुंचाएंगे। आज तेरी वजह से हम इधर उधर भटक रहे हैं। आज मेरी वजह से तू बच गई। अगर मैं उन अंकल को नहीं मारती तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करते, तुझे मालूम नहीं है। तू गलत सोच रही है, वो बहुत अच्छे थे। ऐसे लोगों को मैं देखते ही पहचान जाती हूँ। तुझे पता है एक बार बाबा घर पे नहीं थे और उनके एक दोस्त घर पर आए।
अंकल बाबा तो घर पर नहीं है। मैं बाबा से नहीं, तुमसे मिलने आया बेटा। मुझसे? हाँ देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, अच्छा है ना, जाओ चेंज करके आओ। अंकल आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कुछ नहीं बेटा, जाओ चेंज करो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? और अरे वाह बेबी जान, इस बार तुम लोग सही जगह पे मिले हो। सात महीने पहले राघव ने हॉस्टल छोड़ा था और सात महीने बाद राघव का मर्डर हुआ, और अब इस लड़की का। जरूर इस लड़की और राघव के बीच कोई ऐसा रिश्ता रहा होगा जो इन दोनों के मर्डर की वजह बना। मुझे अभी भी लग रहा है कि मनी हमसे कुछ छुपा रहा है। सर अगर मनी वाकई में कुछ छुपा रहा है तो उन बच्चों से जुड़ी और एक खबर सामने आई है। उन्होंने मोती नगर में एक दुकानदार पे हमला करके उसका पर्स चुराया था। दुकानदार ने मोती नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया। सर मैं मानता हूँ मेरी एक भूल की वजह से उन दोनों बच्चों ने विश्रा, भूल सिर्फ तुमसे ही नहीं हुई है, मुझसे भी हुई है। मैंने जनक और उसकी बीवी को बिना इन्वेस्टिगेट किए राघव की लाश सौंप दी, लेकिन अब हमें इन फूलों को सुधारना है। सिंह कैसे भी करके जनक और उसकी बीवी के बारे में पता लगाओ, और उस जगह का भी पता लगाओ जहाँ पर हॉस्टल छोड़ने के बाद राघव सात महीने से रह रहा था। उस आदमी से भी जाकर मिलते हैं जिस पर उन बच्चों ने हमला किया था। साहब मैं तो उन बच्चियों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था सर कि वो मुझ पर ही वार करके मेरा पर्स चुरा के भाग जाएंगे। और साहब उनके पास कोई महंगा मोबाइल भी था जिससे वो अपनी दादी को फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसमें सिम नहीं है। और कुछ ऐसा ही जो तुम्हें पता चला हो? साहब मैंने उनसे नंबर मांगा कि मैं तुम्हारी दादी को फोन करता हूँ और यहाँ बुलाता हूँ, लेकिन साहब वो नंबर भी पूरा नहीं था, कोई 8 डिजिट का नंबर था। नंबर दो। जी सर। और कोई इस तरह की बात जो उन बच्चियों से पता चली हो तुम्हें? साहब मैं उन बच्चियों की मदद करने के लिए उनका नाम और पता मालूम कर रहा था। देखो बेटा उन दोनों को तुम्हारी दादी का नंबर तो याद नहीं, एड्रेस तो पता होगा ना, वो बताओ मुझे कहाँ रहते हो। नहीं हम चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाऊं? अच्छा सुनो तुम्हारी मम्मी दादी बाबा किसी का तो नाम पता होगा ना, वो बताओ मुझे, मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा। बस नफीसा हम चले जाएंगे। अरे रुको, जाओगे फिर खो जाओगे। अब तुम एक काम करो, तुम दोनों अंदर बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, ठीक है, फिर आराम से बात करते हैं। पूरी थैंक यू। अंकल हमें छोड़ दो, हमें दादी के पास जाना है। बेटा तुम लोग दादी को भूल जाओ, मैं ही तुम्हारा माँ बाप हूँ और तुम दोनों मेरे चूजे, तुम दोनों से मुझे बहुत पैसा कमाना है। हा? चल सीधे बैठ जा, बैठ जा चुपचाप, बैठ जा। मिश्रा को इन बच्चियों ने अपना नाम बेनजीर और नफीसा बताया था, और जो घर दिखाया था वो पांडे सरनेम वाले आदमी था, और वो दुकान वाला बोल रहा है कि इन बच्चियों का सरनेम पूरी हो। सर वो बच्चियां एक के बाद एक जिस तरह से चोरियां कर रही हैं, उसे लगता नहीं है कि वो कहीं भी अपनी सही इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। सिंह दिल्ली NCR में जितने हिस्ट्री शीटर भी पूरी नाम से ताल्लुक रखते हैं सबको उठाओ और तोड़ो, और इन दोनों बच्चियों की फोटो अपनी खबरियों को भेज दो। ओके सर। एक तरफ हम उन बच्चियों बेनजीर उर्फ बुलबुल और नफीसा को ढूंढ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राघव के साथ देखी गई उस प्रेग्नेंट औरत की भी पहचान पता कर रहे थे। उन बच्चियों की तलाश में हमने कई ऐसे हिस्ट्री शीटर्स को उठा लिया था जिनका सरनेम और निकनेम पूरी से ताल्लुक रखता था, लेकिन इस केस में किसका किससे ताल्लुक था ये अब भी रहस्य बना हुआ था। सुधा आंटी, कनिका, सॉरी बेटा वो मेरी आंख लग गई थी। हाँ वो कुमकुम को लेने आई थी। कुमकुम? कुमकुम तो यहाँ आई नहीं बेटा। आई नहीं, पर मम्मी ने कहा था ना आपको कि जब वो स्कूल से आएगी तो उसको अपने साथ रख लेना। हाँ वो उन्होंने कहा था, लेकिन कुमकुम तो आई ही नहीं यहाँ, और दोपहर से मैं भी सो ही रही हूँ तो मुझे तो कुछ पता नहीं है। क्या हुआ सुधा? अरे वो कुमकुम नहीं मिल रही जी, कहाँ चली गई है? मिलने नहीं मतलब? पता नहीं मतलब कहीं गायब हो गई है कोई। सर
हम अपनी बड़ी बेटी की शादी के कार्ड बांटने गए हुए थे। वापस आए तो पता चला हमारी छोटी बेटी कुमकुम अभी तक स्कूल से वापस घर नहीं आई। आप लोगों ने कुमकुम के स्कूल में पता किया? हाँ सर, स्कूल वालों ने बताया कि वो छुट्टी के वक्त वहाँ से चली गई थी, लेकिन उसके बाद कहाँ गई कुछ नहीं मालूम। ठीक है, आप लोग हमें कुमकुम की एक फोटो दीजिए, हम लोग पता करते हैं। सोनू, जुबैर ने दो बच्चियों का फोटो भेजा है, स्कूल की है, बोला इनका कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। देख कौन से काम में डाल सकते हैं। ए, ए, चुप, चुप, बिल्कुल चुप, मुंह बंद, रो रो के दिमाग खराब मत कर मेरा, वरना हाथ पैर तोड़ने की जगह तुम दोनों की आंखें निकाल लूंगा मैं, है? और फिर तुम दोनों को भीख मांगना है अंधी बन के। तेरी वो स्कूल ड्रेस वाली बच्चियां चाहिए मुझे, कीमत बोल। देखिए ये फुटेज आपके घर के पास के चौराहे का है, कल स्कूल से आते वक्त कुमकुम यहां तक आई थी। आप लोगों को किसी पे शक? सर तब तो हम बाहर थे, हमने सुधा आंटी को भी कहा था जब कुमकुम स्कूल से आएगी तो उसको अपने साथ में रखना, लेकिन सर वो कह रही थी कि वो वहाँ पे आई ही नहीं। सर कुमकुम कल अगर यहाँ आई होती तो मैं आपसे झूठ थोड़ी ना कहती। देखिए हम ये नहीं बोल रहे कि आप झूठ बोल रही हैं, हमें मालूम चला कि कुमकुम का आपके घर में काफ़ी आना जाना था और आप भी कुमकुम को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए हम आपसे पूछताछ कर रहे हैं। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है कुमकुम को कौन गायब कर सकता है? सर अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ, लेकिन हाँ कुमकुम के घर वाले उसको लेकर थोड़े लापरवाह जरूर थे। देखिए साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहती हैं। दरअसल सर बात यह है कि कुमकुम अपने घर से ज्यादा वक्त तो बाहर मोहल्ले में खेलने में या आस पड़ोस के घर पे बिताती थी और उसके घर वालों को उसकी कोई खबर नहीं होती थी। बस सर अब से ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। आस पड़ोस वालों से सुधा और कुमकुम के घर वालों के बारे में पूछताछ करो और उन लोगों से भी बात करो जिनके घर में कुमकुम का आना जाना था, हो सकता है कोई ना कोई हमसे झूठ बोल रहा है। साहब इस पान वाले ने उन दोनों बच्चों को यहीं स्कूल वैन में देखा था। क्या देखा था? साहब वो वैन के ड्राइवर ने यहीं स्कूल वैन रोकी थी, वो मेरे पास गुटखा खरीदने आया था, तभी मैंने देखा कि वो बच्चियां स्कूल वैन से निकलकर भाग गई। कौन से स्कूल की वैन थी, कोई नाम देखा था उस वैन पर स्कूल का? नहीं साहब इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। सर अभी तक हम मान रहे थे कि वो बच्चियाँ किसी गैंग की होंगी, लेकिन इस पान वाले के बयान से लग रहा है कि वो बच्चियाँ किसी अच्छे घर की होंगी जो स्कूल वैन से स्कूल आती जाती थी, लेकिन वो कौन से स्कूल की होंगी इसका पता नहीं चल पा रहा। स्कूल वैन है तो फिर रोजाना इसी रास्ते से आना जाना होगा। सिंह इस डायरेक्शन में जितने भी CCTV हैं सबकी फुटेज चेक करो, कैसे भी करके ये पता लगाओ कि ये स्कूल वैन कौन से स्कूल की है। ये ले तेरी मुंह मांगी कीमत। वाह हो रही बच्चियां, उठा ले अपना माल। कुमकुम तो ये सब क्यों करती है? मैंने क्या किया, एक तो मुझे चोट लगी है और कोई दवा भी नहीं लगा रहा। तो तुझे ऐसा लगता है कि मम्मी और पापा तुझसे ज्यादा मुझे टेंशन देते हैं, अब तेरी किसी को नहीं पड़ी है? हाँ ऐसा ही है। देख पगली ऐसे कोई बात नहीं है, तुझसे ना तुझसे हर कोई प्यार करता है। चल अभी रूठने की एक्टिंग बंद कर और थोड़ा सा हंस दे। आप लोग को अपने हिस्से का प्यार नहीं बांटना चाहिए था, कुमकुम के हिस्से का प्यार भी मुझे दे दिया। अब जब वो मिलेगी ना तो उसको बोलना कि आप लोग ना मुझसे ज्यादा उसे प्यार करते हो। आप लोग बोलेंगे ना? सर उस पान शॉप के आसपास के एरिया के मैंने सारे CCTV खंगाले हैं, उसमें से एक CCTV में एक स्कूल वैन कैप्चर हुई है, फुटेज इसमें है सर। अरविंद कन्या विद्यालय, इस स्कूल का पता क्या? सर बहुत पता किया लेकिन इस नाम का कोई स्कूल दिल्ली में है ही नहीं है, और वैन पे जो नंबर है वो भी फेक है।
इस नाम का कोई स्कूल नहीं है, वैन का नंबर फेक। और पान वाला बोल रहा था कि उस वैन में नफीसा और बुलबुल के अलावा और भी बच्चे, मतलब वो बच्चे अभी से स्कूल के नहीं थे। इन बच्चियों को जरूर कहीं से लाया गया हो। सर मुझे लग रहा है ये बच्चियों से चोरी करवाने वाला कोई गैंग है, जो बच्चियों से स्कूल यूनिफॉर्म में चोरी करवाता है। वो नफीसा और बुलबुल भी लगातार चोरी कर रही थी सर। ओमी ने बताया कि मोबाइल चुराने के बाद इन दोनों में से एक बच्ची अपनी दादी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है इनको कहीं से लाया गया हो और ये दोनों वैन से उतरकर भाग गए, और मोबाइल शायद इन्होंने इसलिए चुराया होगा ताकि इनमें से नफीसा अपनी दादी से कॉन्टेक्ट कर सके। सिंह, ओमी ने जो 8 डिजिट का नंबर दिया था उससे पॉसिबल 10 डिजिट का नंबर बनाने की कोशिश करो। हो सकता है इससे हमें उसकी दादी मिल जाए। और दिल्ली NCR में पिछले दिनों में बच्चों को लेकर जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है सबको स्कैन करो। अब हमें सिर्फ नफीसा और बुलबुल ही नहीं बल्कि उस वैन की सभी बच्चों के बारे में पता करना है। श्योर सर। उन बच्चों का यह केस किसी बड़े अपराधी से जुड़े होने की तरफ इशारा कर रहा था। उस वक्त हमारे पास 2 ही क्लू थे। एक, नफीसा की दादी का वो 8 डिजिट का नंबर जिससे हम पॉसिबल 10 डिजिट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारे काम को आसान कर सकता था। और दूसरा क्लू था वो शब्द पूरी, जो ओमी ने हमें बताया था, लेकिन ये भी हमारे लिए रहस्य बना हुआ था। फिलहाल हमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन जल्दी हमें राघव के उस घर के बारे में पता चला जहां वो हॉस्टल छोड़ने के बाद से रह रहा था। सर, ये दोनों लड़का लड़की पिछले 7 महीने से मेरे यहाँ किराए पर रह रहे थे। दोनों मियाँ बीवी थे सर। पिछले कई दिनों से यहाँ ताला लगा हुआ है, तो मुझे लगा कहीं बाहर गए होंगे। उस लड़के ने अपना नाम क्या बताया था? सर, राघव। इसी नाम से मैंने एग्रीमेंट बनवाया था, फिर कुछ दिन बाद वो अपनी बीवी को लेकर भी आ गया था। ये एग्रीमेंट तो सिर्फ राघव के नाम का है। उसकी बीवी के बारे में कुछ जानते हो? उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसका नाम पिंकी था, बस इतना ही मालूम। राघव ने शादी कर ली? जी। और आपके बेटे राघव ने सिर्फ शादी नहीं की बल्कि उसकी पत्नी पिंकी प्रेग्नेंट भी थी। आपको सच में पिंकी के बारे में कुछ नहीं पता, या फिर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं भला क्यों छुपाने लगा। हमें तो इस बात का ताज्जुब है कि उसने हमको बताया बगैर शादी कैसे कर। जिस तरह से राघव ने अपनी शादी की बात अपने पेरेंट्स से छुपाई, हो सकता है उसी तरह से पिंकी ने भी अपनी शादी की बात अपने घर वालों से छुपाई हो। सर, आपका मतलब ये एंगल ऑनर के लिंक का है, लेकिन मनी तो बोल रहा था कि उसने राघव को मारा है और राघव ने उसे अपना नाम मुकुल बताया था। और ये चलक जिसने मनी पर शक जताया था गायब। कहानी काफी अजीब है, उलझती जा रही है। सिंह, एक काम करो, इस पिंकी के घर वालों का पता करो, हो सकता है इस अजीब सी कहानी का यहाँ से कोई क्लू मिल सके। सर, ओके सर। सर, कंट्रोल से फोन आया, मोती नगर में 2 बच्चियों की लाशें मिली। सर, ये वो बच्चियां नहीं है जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन बच्चों ने भी उसी तरह की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है जैसी बुलबुल और नफीसा ने पहनी हुई थी। और पता चला है जिस स्कूल वैन से ही निकलकर भागी थी उसमें कई और भी बच्चियां, और वैन पे जिस स्कूल का नाम लिखा था उस नाम का स्कूल कोई दिल्ली में ही नहीं। सर, पक्का ये किसी गैंग का काम है जो बच्चियों को इधर से उधर ले जाने के लिए स्कूल वैन का इस्तेमाल करते हैं, और शायद बुलबुल और नफीसा की तरह वो लोग इन बच्चियों से भी चोरी का काम करवाते हैं। अगर वो इन बच्चियों से चोरी करवाते हैं तो फिर इन बच्चियों की मौत की वजह क्या? इन बच्चों की बॉडीज़ पर कोई एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स भी नहीं है। इन बच्चों की बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, और जल्द से जल्द बुलबुल और नफीसा के बारे में पता लगाओ। उनके मिलने के बाद ये बात क्लियर होगी कि इन बच्चियों का उस गैंग से क्या कनेक्शन है। दिल्ली और NCR की मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो, हो सकता है इन बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई हो। राइट सर। प्रवीण। हाँ, हम फंसेंगे तो नहीं ना? तुमने तो फंसने का पूरा इंतजाम कर रखा था, मगर मैंने ऐसा काम किया कि फंसने की कोई गुंजाइश नहीं है। हेलो, पीछे हटिए, मिश्रा पीछे हटाओ सबको।
सर ये तो नफीसा है। बॉडी पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी करो। सर कुमकुम गायब हुई स्कूल यूनिफॉर्म में थी और आपको भी यहाँ ऐसे कई बच्चियों के बारे में पता चला जो स्कूल यूनिफॉर्म में देखी गई थी, बस इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था। लेकिन मनोज तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुमकुम को अगवा करके यहाँ दिल्ली लाया गया होगा? सर फरीदाबाद से तो हमें कुछ खास पता नहीं चला था। हाँ बस इतना पता चला था कि कुमकुम का आस पड़ोस के कई घरों में आना जाना था और आखिरी बार कुमकुम अपने घर के पास के सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। देखो अगर फरीदाबाद से अगवा करके कुमकुम को यहाँ दिल्ली लाया गया है तो हो सकता है किसी ऐसे इंसान का काम हो जो फरीदाबाद का हो या फिर फरीदाबाद से उसका कोई ना कोई कनेक्शन हो। मनोज तुम एक काम करो, कुमकुम के उन सभी पड़ोसियों की हमें डिटेल दो जिनके यहाँ कुमकुम का आना जाना था। हो सकता है तुम्हारे इस केस से हमें कोई लीड मिल जाए। श्योर सर। सर मैंने कुमकुम के सभी पड़ोसियों के बारे में पता किया, दिल्ली से कई लोगों के कनेक्शन है लेकिन एक प्रवीण नाम का आदमी है सर जिसने कुमकुम का गायब होने की अगली रात एक कैब सर्विस ऐप से फरीदाबाद से दिल्ली तक की कैब बुक की थी, वो भी देर रात को। उस कैब ड्राइवर से मिलो और उससे पता करो कि उस रात उसकी कैब दिल्ली लेकर कौन गया। ओके सर। हेलो साहब, मेरे एक आदमी ने बेनाज़िर और बुलबुल को ज़ाकिरा के पास देखा है। सर ये सब क्या है सर? बाद में, पहले हमारे सवाल। जिस दिन कुमकुम गायब हुआ उसके बाद की रात तुम फरीदाबाद से दिल्ली एक कैब बुक करके गए थे, क्यों गए थे? सर मैं अपने दोस्त के पास गया था रात को 1 बजे और 3 बजे दिल्ली से फरीदाबाद वापस भी आ गए। क्या छिपा रहे हो हमसे? सर मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा सर। जब तुम फरीदाबाद से दिल्ली गए थे तो अपने साथ एक बड़ा सा सूटकेस लेकर गए थे, कैब ड्राइवर ने सब कुछ बता दिया है। और जब दिल्ली से दूसरी कैब लेकर वापस फरीदाबाद आए तो तुम्हारे पास वो सूटकेस नहीं था। क्या लेकर गए थे उस सूटकेस में? सर वो ऐसा कुछ भी नहीं था सर। लगता है इन दोनों से एक साथ पूछताछ नहीं करनी चाहिए। इस प्रवीण को दूसरे कमरे में लेकर आओ। सर 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 मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया मेरी बीवी ने किया सर, और उसके चक्कर में मैं भी फंस गया सर। दिमाग खराब हो गया? तुम्हें पता है कुमकुम के घरवालों ने पुलिस में कंप्लेन कर दी है, अब उसे ढूंढ रही है। अगर उन्हें पता चला कि कुमकुम यहाँ पर है तो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? हो गई गलती, अब भाषण देने का कोई मतलब नहीं है। ये मत भूलो कि तुम भी मेरे पति हो, अगर मैं फंसी तो तुम भी फंसोगे। अब इस प्रॉब्लम से, इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई सलूशन निकालो। उस बच्ची ने तुम्हारी साड़ी पर दाग लगा दिया, इस वजह से तुमने उस बच्ची को मार डाला? नहीं सर, मारा नहीं था हमने, से मारा नहीं था उसको, हमने दूध में बस बेहोशी की दवा मिलाकर सूटकेस में बंद कर दिया सर, मारा नहीं था। वो सूटकेस लेकर मैं दिल्ली चला गया था और धोला कुआं के जंगल में मैं कुमकुम को बेहोशी की हालत में छोड़ गया, लेकिन सर सूटकेस की जिप खोल दी थी ताकि वो सांस ले सके। वहाँ छोड़ आया या फिर दिल्ली में जाके बेच आया? नहीं सर, मैंने उसे बेचा नहीं, यकीन मानिए मैं उसे जिंदा बेहोशी की हालत में छोड़ के आया था। धोला कुआं में कहाँ छोड़ा था? धोला कुआं में रिंग रोड पे। हाँ मिश्रा, हमें बुलबुल मिल गई। अच्छा बेटा, कौन थे वो लोग और इस स्कूल वैन से कहां से लेकर आए थे आपको? नफीसा को किसने मारा? आप तो साथ थे ना नफीसा के। कहाँ पे? सर उधर।
सर, मैंने कुमकुम को सूटकेस के साथ यहीं रखा था। यहाँ तो नहीं है, फिर कहाँ गया? सर, मुझे नहीं मालूम सर। कुमकुम का गायब होना हमारा ध्यान खींचने वाला था। वहीं दो अज्ञात लाशों के साथ साथ हमें नफीसा की भी लाश मिली। नफीसा की हत्या की बुलबुल चश्मदीद थी, लेकिन हम उससे कोई काम की जानकारी नहीं निकलवा पा रहे थे। तभी हमारे खबरी ने हमें चनक की टिप दी और चनक को गिरफ्तार करने में हमने तनिक देर नहीं लगाई। वो लड़का मुकुल है या राघव, मैं नहीं जानता था। मैं तो उसे कभी मिला भी नहीं था। मैंने तो वही किया जो मुझे मनी ने करने को बोला। और फिर उस मुकुल के मर्डर केस में मनी को अंदर करवा दे। हाँ साहब, मैं भी हैरान था कि वो खुद को अंदर क्यों करवा रहा है। मिश्रा, बोल। तब मैं किसी मुकुल और राघव को नहीं जानता था। ये सब तो साहब मैंने अपने दोस्त के कहने में किया। कौन दोस्त? बबलू और सोनू। तब उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे ऑफर दिया था 5 लाख का। पागल समझाया क्या? जेल में बैठ के मैं 5 लाख का क्या करूंगा? हैं? अबे तू टेंशन क्यों ले रहा है? हम तेरी जमानत करवा देंगे और अगर जमानत ना मिली ना तो जेल से भगवा देंगे तुझे। बहुत सेटिंग है अपनी जेल में। सब मुझे नहीं मालूम साहब उन्होंने ये किस मकसद से और क्यों किया। तब बस मैं तो इंतजार कर रहा था वो मुझे कब बाहर निकालेंगे। बेटा तू बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर आएंगे। कहाँ मिलेंगे वो? तब उनका कोई ठिकाना नहीं है साहब, कभी कहीं कभी कहीं, तब मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, हम तुझे बता देंगे वो कहाँ। सर, मनी ने जिस सोनू और बबलू के बारे में बताया था, ये दोनों हिस्ट्री शीटर हैं और ये दोनों ही इस जुबेर नाम के आदमी से कॉन्टेक्ट में है। सर सर ये जुबेर बेकरी रैकेट से जुड़ा है। बच्चों से भीख मंगवाने के चार्ज में पहले कई बार अंदर भी जा चुका है। जुबेर बेकरी रैकेट से जुड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन तीनों क्रिमिनल्स का उन बच्चों के केस से भी कोई कनेक्शन हो? कि इनका राघव और पिंकी से क्या कनेक्शन हो सकता है? ओमी बता रहा था कि वो दोनों बच्चे हैं, पूरी नाम की किसी आदमी की बात कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी इन तीनों में से कोई एक हो? सिंह, बुलबुल से दोबारा से बात करने की कोशिश करते हैं। जानते हो इन तीनों को? कौन है ये तीनों? इन्होंने ही नफीसा को मारा है ना? अच्छा बेटा, नफीसा ने उस अंकल से पूरी नाम के आदमी की बात की थी, वो पूरी इन तीनों में से कोई है? अगर पूरी कोई आदमी है तो फिर कौन है बेटा? ये लोग हमें पुरी में लेके गए थे। पुरी में लेकर आए थे? मतलब पुरी कोई आदमी नहीं है, जगह है। अच्छा बेटा, ये पुरी कौन सी जगह है? उड़ीसा वाली पुरी, विकासपुरी, जनकपुरी, मंगोलपुरी, गोकुलपुरी? गोकुलपुरी। सिंह, इस बच्ची को गोकुलपुरी के अलग अलग एरिया में घुमाओ, हो सकता है वहां किसी जगह को पहचान ले। गोकुलपुरी में जरूर कोई ऐसी जगह है जहां पर इस बच्ची को रखा गया है। श्योर सर। एक मिनट गाड़ी रोको। क्या हुआ बेटा, इस जगह को जानते हो क्या आप? बेटा क्या वो घर यही है? इसी घर में आई थी आप? गाड़ी अंदर लो।
प्लीज ले चलो सर। चलो सिर्फ उन बच्चियों से नहीं बल्कि पिंकी नाम की लड़की के साथ भी कनेक्शन था तुम्हारा। अब ये बोलो तुम्हारे गैंग में कौन कौन लोग शामिल है और क्या क्या करते हो तुम लोग? मैं तो बस उन बच्चों को संभालती थी साहब, उनके साथ वो जो भी था वो सुमित करता था। कहाँ मिले गए सुमित? क्या हुआ, क्यों बुलाया था तुमने इतना जल्दी में? चल थाने चल के बताते हैं। चल क्या क्या अब क्या पुलिस पकड़ा है। मैं पिछले 15 साल से इस धंधे में हूँ। हिंदुस्तान के कई शहरों में मेरे एजेंट हैं जो मुझे बच्चियां और लड़कियां सप्लाई करते हैं सर। मैं उन्हें मोनिका के घर में रखता था सर। उसके अलावा एक दो और भी जगह हैं सर। उस दिन मेरा एक आदमी दिलशाद उन बच्चों को सप्लाई करने जा रहा था सर, तभी उसमें से वो दोनों बच्चियां भाग गई सर। मैं उधर उन दोनों बच्चियों को ढूंढने में परेशान था और मुझे मालूम चला कि आप राघव और पिंकी के बारे में पता कर रहे हैं। 14 साल की थी पिंकी जब सुमित उसे लेकर आया था। इन बच्चियों को सुमित सेक्स वर्कर बनाता था। पिंकी भी प्रोस्टिट्यूट ही थी। फिर सुमित ने उसे अपने किसी आदमी को बेच दिया और वहाँ उसे राघव से प्यार हो गया और वो उसके साथ 7 महीने पहले भाग गई। सुमित तब से उसको ढूंढ रहा था। भागने के चक्कर में गलती से वो मर गए। मैं जानता था सर कि अगर आपने राघव के बारे में पता किया तो आपको सब पता चल जाएगा और आप हम तक पहुंच जाएंगे। इसलिए सर मैंने मेरे दोनों आदमी सोनू और बबलू के साथ मिलकर मनी को अंदर करने का प्लान किया ताकि आप केस की फाइल बंद कर दें और आपका ध्यान हम लोगों के ऊपर से हट जाए। लेकिन एक आफत नहीं गई साहब, दूसरी आफत आ गई। आप मेरी वो दोनों बच्चियों को ढूंढने में लग गए। बाद में मुझे सोनू ने बताया साहब कि उन लड़कियों को जुबैर ने उठाया है। इस जुबैर का तेरे धंधे से क्या कनेक्शन है? नहीं सर, जुबैर के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। उसका धंधा अलग है। वो बच्चों से भीख मंगवाता है, वो बैगरी रैकेट चलाता है सर। मुझे पता था सर अगर वो बच्चियां उसके पास हैं तो उनको सिग्नल पर बिठाकर भीख मंगवाएगा और आप उन बच्चियों तक आसानी से पहुंच जाएंगे और हम लोग फंस जाते सर। इसलिए मैंने सोनू और बबलू को वहां भेजा कि वो उन बच्चियों को जुबैर से खरीद लें और उसके बाद उन दोनों बच्चियों को मार दें। उन दोनों ने नफीसा को मार भी दिया सर, लेकिन वो दूसरी बच्ची बुलबुल वो बचकर भाग गई। जुबैर कहाँ मिलेगा? कोई आइडिया नहीं सर। इससे पता करो कि इन बच्चियों को कहाँ कहाँ से लाया और किन किन एजेंट से इसने खरीदी, सब पता करो इससे। हम अब जल्दी ही आपको आपके घर भेज देंगे। मुझे घर नहीं जाना। पर क्यों बेटा, आपको अपने घर क्यों नहीं जाना? आपके पापा ने ही आपको पापा ने मुझे अपने दोस्त के साथ वहाँ भेज दिया था। मैं तो बस यही चाहती थी कि नफीसा अपनी दादी के पास पहुँच जाए।
लेकिन वो मुझे कहीं नहीं जाना। इस केस में 200 से ज्यादा बच्चियों को हमने अलग अलग जगह से रेस्क्यू किया, जिन्हें कई अलग अलग राज्यों से लाकर इस रैकेट में झोंक दिया गया था। नफीसा की दादी सहित इस रैकेट की कई विक्टिम बच्चियों के परिवार वालों की हमें अभी भी तलाश है। कुमकुम इस वक्त अपने परिवार के साथ, लेकिन नफीसा का अपनी दादी के साथ मिलने का सपना सपना ही रह गया। और इस दलदल से निकलकर राघव के साथ अपने भविष्य के सपने सजोने वाली पिंकी अब हमारे बीच नहीं है। वहीं अपने पिता के जुर्म का शिकार बुलबुल अब अपने पिता के घर नहीं जाना चाहते। बुलबुल और बुलबुल जैसी ही कई विक्टिम्स बच्चियों को एक एनजीओ में भेज दिया गया है। हमारे देश में बुलबुल, नफीसा, पिंकी और कुमकुम जैसी बच्ची हर रोज इस तरह के अपराधों का शिकार हो रही है। हो सकता है ऐसी ही कोई बच्ची आपके पास भी मौजूद है, लेकिन उस पर आपका ध्यान ना गया। अगर आपको ऐसी ही किसी बच्ची के बारे में पता चलता है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। एक दस्तक हो सकती है और यह दस्तक एक मासूम की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकती है। इस दस्तक को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और तुरंत इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।